देखो देखो देखो, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे, आज तो बहुत अच्छे हैं ये अम्मा, बहुत इम्प्रूवमेंट है ना? ना बात करो। हाँ अब कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, बस अरे बहुत इम्प्रूवमेंट है पहले जगह, बहुत इम्प्रूवमेंट है। कौन से भैया? लो मेरी बात सुनो, अपन सोशल मीडिया पे आएंगे, इधर इधर देखो। आज तो बोलने के, आज ही मेरे को बोतल लगा देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि आज अम्मा जी की हालत कितनी अच्छी हो गई और ये कितनी सारी बातें कर रही है गाइस। मैं इनसे मजाक कर रही थी कि आपका वीडियो लेते हैं और फिर हम सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। गाइस वो कितनी अच्छी लग रही थी ना, मुझे बहुत खुशी हुई उनको देख कर कि वो ठीक हो गई हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बॉटल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो गाइस, हमने सबसे पहले बॉटल के ऊपर का टॉप का वो जो ढक्कन रहता है वो निकाला, और ये आईवी सेट ऑलरेडी यूज़ वाला था तो इसमें कुछ दवाई ऑलरेडी थी बस। तो सबसे टॉप वाले पे हमें आईवी सेट को फिक्स करना है। फिक्स करते टाइम ये ध्यान ज़रूर रखें कि वो कहीं से इधर उधर थोड़ा सा टेढ़ा ना हो जाए, नहीं तो आपकी पूरी बॉटल लीक हो सकती है। उसके बाद मैंने जो भी एयर उसमें थी वो मैंने निकाली, क्योंकि गाइस जब भी हम बॉटल लगाते हैं उसके पहले हमें सारी एयर निकालनी पड़ती है, और ऊपर से हमें निडिल से दो तीन प्रिक करने चाहिए, क्योंकि उससे जो भी एयर होती है वो इजीली निकल जाती है और बॉटल अच्छे से पेशेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस हम इसमें MVI ऐड कर रहे हैं, आपको मैंने दिखाया है 10 ml का MVI आता है जो मल्टी विटामिन इंजेक्शन होता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं लोड कर रही हूँ इंजेक्शन, और मैंने यहाँ पे 10 ml की सिरिंज का यूज़ किया है ताकि सारा इंजेक्शन एक बार में ही उसमें आ जाए और मैं बॉटल में उसे डाल सकूँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैंने इंजेक्शन को पूरा लोड कर लिया है। और बॉटल प्रिपेयर करते टाइम आप बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि उसमें एयर बिल्कुल भी ना हो, अगर एयर रही तो आप पेशेंट को जब भी अप्लाई करोगे तो उसको स्वेलिंग आ सकती है, इसलिए एयर का बिल्कुल ध्यान रखें। और यहाँ पे देखिए गाइस, मेरा इंजेक्शन पूरा रेडी हो गया है, इसमें से भी मैं कुछ एयर है वो निकाल रही हूँ। वैसे तो जब हम बॉटल में इंजेक्शन डालते हैं तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें थोड़ी बहुत एयर हो, तो क्योंकि वो सिर्फ हमें बॉटल के अंदर डालना रहता है। तो गाइस ये हमारा इंजेक्शन पूरा रेडी हो चुका है। तो गाइस चलिए अब हम इसे इंजेक्शन को बॉटल में डाल देते हैं। तो आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड से इसे पूरा बॉटल के अंदर डाल दिया है, और ये MVI इंजेक्शन है जो मल्टीविटामिन होता है जो रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है गाइस। तो अम्मा जी को कम से कम 3 से 4 दिन हो गए हैं बॉटल लग रही है, और ये इतनी ज़्यादा, मतलब कैसे बोलूँ, जैसे बच्चे शैतान होते हैं ना गाइस, वैसी हैं, बिल्कुल भी मुझे बॉटल नहीं लगाने देती है पता है। और कल तो मेरे हाथ पकड़ लिए थे और दोनों हाथों से नाखून भी लगा दिए गाइस। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बॉटल को फिक्स करने के लिए इंट्रागेट का ढक्कन खोल के उसमें ऐड कर दिए, लेकिन दिन भर से इनको बॉटल नहीं लगी थी तो उसमें शायद क्लोटिंग हो गया था। तो मैं यही कर रही हूँ कि क्लोट हटाऊँ। हमेशा क्लोट के लिए आप थोड़ा सा नली को लेके मोड़ दीजिए, अगर थोड़ा सा क्लोट हुआ तो निकल जाएगा, पर नहीं निकल रहा था गाइस। तो मैंने थोड़ा सा अमाउंट उसमें से लिया सिरिंज के थ्रू, और हमें सिरिंज को पीछे की साइड खींचना है ताकि थोड़ा सा ब्लड उसके अंदर आ जाए, वो क्लोटिंग ख़त्म हो जाए, और हमें उसको एकदम प्रेशर से पुश करना है ताकि क्लोटिंग हट जाए, और उसके बाद हमें बॉटल को अटैच करना है आईवी सेट को, सॉरी। तो मैंने यहाँ कर दिया। और गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।